नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत में बारिश ने दस्तक दे दी है और आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के मौसम में हमारी त्वचा में खुजली के साथ साथ रेशेस या चकते जैसी समस्या हो जाती है। इसे हम पित्ती उछलना कहते हैं या इंग्लिश में हाइव्स या अर्टिकेरिया कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अर्टिकेरिया या हाइव्स क्या होता है और यह क्यों हमारे शरीर में हो जाता है, किस एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले यह समझते हैं कि अर्टिकेरिया होता क्या है। इसमें किसी रिएक्शन के कारण स्किन पर उभरे हुए रेशेस या चकत्ते हो जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है और ये खुजली से बढ़ते जाते हैं। इनके साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं और यदि मैं शेप की बात करूँ तो कॉमनली ये ओवल शेप में होते हैं। वैसे तो ये कुछ समय में सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं होते हैं या बार बार रिपीट होते हैं उनको हम क्रोनिक हाइव्स या अर्टिकेरिया में कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अब हम इसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट अर्टिकेरिया ट्रिगर कर जाता है किसी कंडीशन के कारण। मान लीजिए कोई पेन वाली दवाई ली है, दर्द की दवाई ली है, वो रिएक्शन कर गई तो भी लोगों को पित्ती उछलने की या रेशेस होने की समस्या हो जाती है। इसमें नंबर टू ये होता है कि यदि किसी पेशेंट को कोई कीड़ा काट लेता है या इंसेक्ट बाइट हो जाता है तो भी उसको अर्टिकेरिया की समस्या हो जाती है। इसमें थर्ड चीज़ ये देखी गई है कि कभी कभी किसी पेशेंट को कोई स्ट्रेस लेने से भी पित्ती उछलने की समस्या हो जाती है। पेशेंट को स्क्रैचिंग करने से या इचिंग करने से भी शरीर में रेशेस हो जाते हैं और किसी किसी को प्रेशर अर्टिकेरिया की समस्या भी देखी गई है। इसमें शरीर के जिस हिस्से पे प्रेशर पड़ता है वहाँ पर उसको रेशेस की समस्या हो जाती है, पर इस तरह का अर्टिकेरिया 30 सेकंड में या एक मिनट में अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि किसी किसी पेशेंट को फूड की एलर्जी होती है, जैसे कि यदि वो मूंगफली या नट्स खा ले तो फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट और किसी किसी को तो वीट मतलब गेहूं के खाने से भी रेशेस या चकत्ते होने की समस्या हो जाती है। जब पेशेंट को हीट या कोल्ड का एक्सपोजर हो जाता है, मींस यदि उसको बुखार है या एक्सरसाइज के बाद या गर्म पानी से नहाने के बाद भी लोगों को रेशेस देखे गए हैं। और कभी ये भी देखा गया है कि यदि पेशेंट वार्म टेम्परेचर से मतलब हॉट टेम्परेचर से यदि कोल्ड टेम्परेचर में आता है तो भी उसकी बॉडी में रेशेस हो जाते हैं। तो ये तमाम जो इसके कारण है उसके कारण पेशेंट को रेशेस मिलते हैं। और यदि ये कुछ टाइम में ठीक हो गए या किसी एक सीजन पर्टिकुलर सीजन में ही रहे तो इसको हम एक्यूट अर्टिकेरिया में कंसिडर करते हैं। लेकिन यदि ये बार बार रीअकर हो रहा है और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहा है तो इसको हम क्रोनिक अर्टिकेरिया में कंसिडर करेंगे। यहाँ पर अब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पे ये होता है कि पेशेंट को खुजली चलती है, किसी को माइल्ड इचिंग होती है पर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग होती है। इसमें ये भी देखा गया है कि पेशेंट को जो रेशेस या जो चकत्ते होते हैं ये थोड़े उभरे रहते हैं, थोड़े राउंडेड शेप के होते हैं और ये रेड कलर के भी हो सकते हैं और स्किन कलर के भी हो सकते हैं और जैसे जैसे खुजली बढ़ती जाती है ये रेशेस बढ़ती जाते हैं। इसमें ये सिम्टम्स तो नॉर्मल सिम्टम्स में कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन यदि पेशेंट को ये कंप्लेंट सीरियस होती जाती है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, जैसे कि यू नो दैट दिस इज़ अ एलर्जिक रिएक्शन, तो पेशेंट को साथ साथ ब्रीथलेसनेस की मतलब सांस फूलने की शिकायत भी देखी गई है। इसमें नंबर टू पे ये होता है कि पेशेंट को स्वेलिंग भी आना शुरू हो जाती है बॉडी में उन चकत्तों के साथ, ये जो रेशेस हो गए हैं उनके साथ स्वेलिंग आना भी शुरू हो जाती है। और यदि स्वेलिंग शरीर के किसी सेंसिटिव हिस्से में हुई जैसे टंग पे हो गई या आईलिड्स पे हो गई तो पेशेंट को वहाँ बहुत ज़्यादा पेन भी होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए। यहाँ पर अब हम इसके घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि अर्टिकेरिया की समस्या एक्यूट है तो इसे हम घरेलू उपाय से घर में भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि ये क्रोनिक या सीरियस है तो बात अलग है। एक्यूट कंडीशन में हम इसमें एलोवेरा
जो होता है उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हेल्प करती है उनको रिलैक्स करने में, रेशेस को कम करने में। नंबर टू पे ये होता है कि पेशेंट को जब भी स्क्रैचिंग आती है वो कोशिश करें कि कॉटन के क्लॉथ से या कपड़े से उसको रब करें, नाखून ना लगाएं। नंबर तीन, पेशेंट को उस रेशेस पे नारियल तेल का एप्लीकेशन करना चाहिए। नंबर चार ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ें उसके इस अर्टिकुलर की कंडीशन को यदि ट्रिगर कर रही हैं तो इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। सूरज की रोशनी से या सनलाइट से बचना चाहिए क्योंकि गर्मी से भी रेशेस बढ़ जाते हैं, और यदि आप चाहें तो उन रेशेस पे आइस पैक्स या ठंडे पानी की पट्टियां भी रख सकते हैं। रेशेस होने की कंडीशन में आपको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं, कॉटन की ड्रेसेस पहननी हो जो कंफर्टेबल हो, लूज हो। और दोस्तों, आपको जब रेशेस होने की समस्या हो जाती है तो आपको इचिंग को रिड्यूस करने में फोकस करना है। यदि इचिंग रिड्यूस हो जाएगी तो रेशेस अपने आप कम हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसके होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है रस्टॉक्स। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब बारिश के मौसम में या रेनी सीजन में पेशेंट को पित्ती उछलने की या रेशेस होने की समस्या हो जाती है, और यह दवाई तब भी काम करती है जब एक्सरसाइज के बाद, जब पेशेंट एक्सरसाइज के बाद बॉडी उसकी गर्म हो जाती है, और तब कभी किसी को पित्ती उछलती है तब भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। इसमें पेशेंट को बहुत इंटेंस इचिंग होती है और रेड कलर के ददोड़े जैसे या पित्ती जैसी उसकी शरीर पे स्ट्रक्चर हो जाती है। इसमें नंबर टू पर मेडिसिन है नेट्रेम्यूल। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को सनलाइट के कारण या हीट के एक्सपोजर के कारण यदि उसको पित्ती उछलने की समस्या हो रही है, तब यह दवाई बहुत अच्छा काम करती है। और नेट्रेम्यूल में एक कैरेक्टर और बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है कि पेशेंट हर चीज़ के लिए बहुत ओवर सेंसिटिव होता है। तब यदि ये दो सिम्टम पेशेंट को मिलते हैं तो ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब इसमें नंबर तीन पर मेडिसिन है डलका मारा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब कोल्ड, डैम्प, रेनी वेदर के कारण पेशेंट को पित्ती होने या अर्टिक्रिया होने की समस्या हो गई है, जब दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, और पेशेंट बहुत टाइम तक यदि नमी वाली जगह पर रह रहा है उसके कारण यदि उसको पित्ती उछलने की समस्या हो गई है, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। इसमें पेशेंट को खुजली की समस्या होती है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है अर्टिका यूरिन्स। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको अपनी बॉडी में एक्सट्रीम हीट महसूस होती है और साथ में उसको खुजली चलती है, और यह समस्या पेशेंट को एवरी ईयर उसी टाइम पे बार बार रिपीट होती है, और किसी ना किसी कारण से इस समस्या को सप्रेस कर दिया गया हो, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके अर्टिक्रिया की समस्या को ठीक करने में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।